हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। आज मैं बात करूंगा वन पीस के वर्ल्ड को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग वन पीस देख तो लेते हैं फास्ट पेसिंग करके, बट यार उन लोग को समझ नहीं आता वन पीस का वर्ल्ड है किस टाइप का। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रह जाता है कि वन पीस के वर्ल्ड में ग्रैंड लाइन का है, रेड लाइन का है, भाई कुछ लोगों को तो पता ही नहीं रहता। और इसी वजह से आज मैं वन पीस के वर्ल्ड को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने भी वन पीस मूवी रेड के लिए पेटिशन पे साइन नहीं किया, जाओ जल्दी साइन कर दो, क्योंकि यार इंडिया में तुमको थिएटर में देखना है ना वन पीस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जल्दी जाओ। खैर चलो फालतू की बकबक नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। वन पीस का वर्ल्ड और हमारा अर्थ, इनमें दिखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जहां हमारे ह्यूमन अर्थ में 71% वाटर है, तो वही वन पीस के वर्ल्ड में 90% वाटर है। इसके अलावा सीन यही खत्म नहीं होता, वन पीस का वर्ल्ड ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भी भरा हुआ है, क्योंकि वन पीस का वर्ल्ड जो ग्रैंड लाइन है वो उसको बीच से काटता है, और वही जो अपना रेड लाइन है वो उसको ऊपर से नीचे को और पूरा सर्कल वे में काटता है, जिस वजह से वन पीस का वर्ल्ड का दो हिस्सा हो जाते हैं। एक हिस्सा कहलाता है पैराडाइज, जहां पर मरीन्स का राज चलता है, यहां वर्ल्ड गवर्नमेंट कहीं भी सेल करती रहती है और यहां पर ये पायरेट्स को बहुत ज्यादा पकड़ते हैं। और वहीं अगर तुम न्यू वर्ल्ड में चले जाओ दूसरे हिस्से की तरफ, यहां पे चलता पायरेट्स का, फोर योंकोस का। अगर तुम यहां घुस गए तो भाई पहली चीज, एक तो तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ कि जा करके एक योंको को हरा के खुद एक योंको बन जाओ, या फिर किसी योंको के अंडर चमचागिरी करो। सबसे पहली चीज, अगर तुम नॉर्थ ब्लू, ईस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, वेस्ट ब्लू कहीं से भी रिलेट करते हो, लेकिन अगर तुमको सेल करना है वन पीस के वर्ल्ड में, तो सिंपली तुमको जाना पड़ेगा रिवर्स माउंटेन। अब ये रिवर्स माउंटेन क्या है? एक्चुअली ये रेड लाइन का एक ऐसा छोर है, एक ऐसा हिस्सा है जहां पर पानी ऊपर की ओर उठता है, और तुमको यहां से होते हुए ऊपर चढ़ना है और तुमको नीचे उतर के घुसना है ग्रैंड लाइन के अंदर। चलो एग्जांपल के लिए मैं तुमको समझाता हूं कि तुमको मान लो वानो जाना है। अब यहां पे बहुत सारे लोग बोलेंगे मैप देख के, खासकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि वानो जाना, भाई नॉर्थ और वेस्ट ब्लू वालों के लिए तो आसान ही होगा, क्योंकि उनके बगल में ही पड़ता है, बस ग्रैंड लाइन के अंदर घुस जाओ। इतना आसान नहीं है। जितना ईस्ट और साउथ ब्लू वालों को प्रॉब्लम होगा, उतना ही ज्यादा नॉर्थ और वेस्ट ब्लू वालों को भी होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो रिवर्स माउंटेन में, तो नॉर्थ ब्लू वालों के लिए भी वही सेम रास्ता है, वेस्ट ब्लू वालों के लिए थोड़ा अलग रास्ता है, और ये दोनों रास्ते जो एक जगह पे जाके जुड़ते हैं, और उसके बाद तुमको घुसना है भाई एक ही जगह पे। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल उठ सकता है, ग्रैंड लाइन के अंदर घुसना बस यही एक रास्ता क्यों है पायरेट्स के लिए, बताओ? क्योंकि यार वो लोग तो डायरेक्ट भी तो घुस सकते हैं, पायरेट्स तो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फोर योंकोस भी तो घुस सकते हैं। इतना आसान नहीं है, बिकॉज ग्रैंड लाइन के बगल में है काम बेल्ट, और काम बेल्ट का जो पानी का जो खिंचाव है ना भाई, बहुत ज्यादा मुसीबत से भरा पड़ा है। ऊपर से यहाँ राज चलता है सी किंग्स का, बट वही काम बेल्ट पे कुछ लोगों ने अपना घर बसा रखा है, जैसे कि अमेजोन लीली वाले, मैं बुआ हैनकॉक वालों की बात कर रहा हूँ। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, मैंने बुआ हैनकॉक के ऊपर बना रखा है वीडियो, बुआ हैनकॉक के ओरिजिन को लेके। अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा, तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाके वो वाला वीडियो देखना मत भूलना। खैर चलो मान लिया तुमको वानो आर्क ही जाना, क्योंकि यार करंट आर्क जो चल रहा है उसी को लेते हैं। और तुमको वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुमको ग्रैंड लाइन में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वानो आर्क भी ग्रैंड लाइन के अंदर ही है, न्यू वर्ल्ड के साइड। जैसा कि मैंने पहले बोला, फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी ब्लू से रिलेट करते हो, तुमको घुसना तो एक ही रास्ते से है, और वहां घुसने के बाद तुमको मिलेगा लॉक पोस्ट। अब ये लॉक पोस्ट क्या होता है? लॉक पोस्ट एक तरह से यहाँ का कंपस है, यहाँ पर नॉर्मल कंपस काम नहीं करते, यहाँ पे तुमको लॉक पोस्ट का हेल्प लेना जरूरी है। और ये लॉक पोस्ट किसी एक पर्टिकुलर आइलैंड की तरफ इशारा करता है, और उस आइलैंड पे जाओ, फिर उसके बाद दूसरे आइलैंड पे जाओ, फिर उसके बाद तीसरे आइलैंड पे जाओ, ऐसे करके एक एक आइलैंड पे तुमको जाना है, और ऐसे करके तुम पहुंच जाओगे दूसरे छोर पे, जहां पे एक और रेड लाइन है। यहां पर मैं लॉक पोस्ट के बारे में बता दूं, लॉक पोस्ट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है नॉर्मल वाला लॉक पोस्ट, और एक और होता है इटर्नल वाला। अब नॉर्मल वाले में क्या होता है, तुमको एक आइलैंड पे जाना है, फिर दूसरे आइलैंड पे, फिर तीसरे आइलैंड पे, ऐसे करते करते तुमको दूसरे छोर तक जाना है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इटर्नल वाले की, तो ये जो लॉक पोस्ट होता है इटर्नल वाला, ये एक पर्टिकुलर आइलैंड की तरफ इशारा करता है, मतलब ये जो लॉक पोस्ट है वो डायरेक्ट उसी आइलैंड तक तुमको ले जाएगा। खैर चलो टॉपिक पे आते हैं।
तब लॉक पोस्ट के थ्रू एक आइलैंड पे गए, फिर दूसरे आइलैंड पे, तीसरे आइलैंड पे, ऐसे करते 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 पहुंच गए दूसरे छोर की तरफ, जहां पे तुमको मिलेगा एक और बड़ा सा रेड लाइन। और वो रेड लाइन इतना ऊंचा है तुम उसको ऊपर से पार नहीं कर सकते, तो ऑप्शन क्या बचता है? पानी के नीचे से। अब तुमको पानी के नीचे जाना है, पर तुम पानी के नीचे सिप लेके कैसे जाओगे? क्योंकि लॉ थोड़ी ना हो कि पनडुब्बी लेके नीचे से घुस जाओ। तुमको यहाँ पे हेल्प पड़ेगा बबल कोटिंग का। अब ये बबल कोटिंग करवाने तुमको जाना पड़ेगा सेबोडी। तुम वन पीस का आधा वर्ल्ड सैर कर चुके हो, उसके बाद तुम क्या करोगे? सीधे रेड लाइन को तो तुम ऊपर से पार नहीं कर सकते, तुमको जाना पड़ेगा नीचे से। और नीचे जब तुम जाओगे तो वहां मिलेगा तुमको फिशमैन आइलैंड। टाइम स्किप से पहले फिशमैन आइलैंड पे राज हुआ करता था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का। अब देखो, फिशमैन आइलैंड से ही तुम इनडायरेक्टली घुस चुके हो न्यू वर्ल्ड पे। यहाँ पर राज चलता है फोर योंकोस का। करंट टाइम पे फोर योंकोस कौन है बताने की जरूरत नहीं है। न्यू वर्ल्ड में जैसे ही तुम घुसते हो वहाँ फिशमैन आइलैंड, उसके बाद ऊपर उठोगे बहुत सारे आइलैंड तुमको मिलेंगे। अब मैं स्ट्रॉ हैट की जर्नी के हिसाब से बता रहा हूँ। फिशमैन आइलैंड के बाद वो लोग जाते हैं कहाँ पर? पंख हजार्ड में। यहाँ का वेदर तो भाई एक अलग लेवल पे है, आधा लावा तो आधा ठंडा बर्फ। न्यू वर्ल्ड जो है पैराडाइज से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ फोर योंकोस का पहली बात तो राज चलता है, यहाँ का वेदर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ के जो आइलैंड्स है वहाँ पर जाना भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि तुमको अगर जो आइलैंड जाना है तो जो आइलैंड जाने के लिए तुमको चाहिए वीवरे कार्ड, क्योंकि यार चलता फिरता हाथी है, तुम यहाँ कैसे जाओगे? वीवरे कार्ड चाहिए ही चाहिए। खैर, हम लोग बात करें तो तुमको जाना है वानो। अब वानो कैसे जाओगे भाई? तुम जो भी चल गए फिर तुम वानो ऐसे ही नॉर्मल तुमको जाते रहना, और वानो जाने के बाद वहां पे काइडो तुमको मिलेगा, और जो काइडो है वो तुमको गंदा तरीके से मारेगा। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर तब लाफ्टेल कहाँ पर है? लाफ्टेल आइलैंड जाने के लिए तुमको चाहिए चार रोड पॉनी क्लिप। तीन का हमें पता है, एक है बिग मॉम के पास, सेकंड है जो आइलैंड के ऊपर, थर्ड है काइडो के पास। अब फोर्थ जो है फिशमैन आइलैंड पे हुआ करता था, बट फिर वो कहां से गायब हुआ, किसने गायब किया, ये चीज का बारे में हमें नहीं पता। क्या वो चीज सैंक्स ने गायब किया, ये चीज भी ठीक से नहीं मालूम। जब तुम बाई चांस मान लो तुमने चार रोड पॉनी क्लिप्स को इकट्ठा कर लिए, उसके बाद वो रास्ता बताती है लाफ्टेल आइलैंड जाने का। और जब तुम लाफ्टेल पहुंच जाते हो तो तुमको सब चीज मालूम पड़ जाता है, हिस्ट्री से लेके सब कुछ, तुमको एंशिएंट वेपन का इतिहास से लेके विल ऑफ डी तक सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और जब तुम वहां से बाहर आते हो तो वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगा देती है किंग ऑफ द पायरेट्स का, और तुम्हारी बाउंटी 5 बिलियन बैरिस से भी ऊपर रख देती है। एक और चीज मैं शायद बताना भूल गया, जो मरीन्स है वो लोग काम बेल्ट के अंदर घुस सकते हैं, उनको शॉर्टकट मालूम है, उनको काम बेल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सी किंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जो मरीन्स के शिप होते हैं उनके शिप के नीचे होते हैं सी प्रिजन स्टोन की लाइनिंग, जिस वजह से उनका जो प्रेजेंस है ना वो सी किंग से छिपा देते हैं। इस वजह से वो लोग यार ग्रैंड लाइन के आर पार जब चाहे तब जा सकते हैं, उनको शॉर्टकट्स भी पता होते हैं और उनको सब चीज मालूम है यार। खैर, यही था वन पीस का वर्ल्ड। तुमको कोई भी डाउट रह गया कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। साथ ही अगर तुमने पेटिशन पे साइन नहीं मारा जल्दी से जाओ और साइन कर दो। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, साथ ही यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप भी के लिए बाय। Che meno tore con i notte.